छत्तीसगढ़ जिला बालोद ग्राम पंचायत बोरी के अंतर्गत एक छोटा सा पुल है। पिछले 40 साल से ये पुल बना हुआ है, लेकिन 20 साल से ये पुल लगातार बारिश जब जब आता है हर साल टूट जाता है। और इस समस्या को लेकर के पिछले बार 8 से 10 गांव के ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से विधायक को, जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री मंत्रालय तक पहुंच करके आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक इस समस्या की कोई सुनवाई नहीं है। हर साल बारिश होती है, हर साल पुल टूटती है और हर साल थोड़ा बहुत मरम्मत की जाती है, काम चलाओ, जिसके कारण से आसपास के 15 गांव के लोगों को बारिश में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। इसी रास्ता से जिला मुख्यालय के लिए बालोद जाते हैं, इसी रास्ते से स्कूली बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसान लोग रोज़ खेती करने जाते हैं, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुल टूटते से बहुत बड़े समस्या है, रोज के आना जाना पड़ते है, खेत खार देखे पड़ते, खातू कचरा लेके पड़ते है, बहुत ज़्यादा परेशानी होते। और ये रोड से कई गांव का आना जाना लगे रहते हैं, पढ़ैया लड़का मन आ जाते रहते, बहुत ज़्यादा परेशानी है सब में। लगभग एक अनुमान डेढ़ दो हज़ार के आसपास गुजरते हैं। प्रयास मोर ख्याल से तो लगते शासन प्रशासन एक ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते, इससे लगा हर साल की ये रिकॉर्ड न बनाए पर कोई है चीज़ ध्यान ही नहीं देते। गांव वाला मन हर साल प्रयास करते लेकिन अनदेखा कर देते शासन। अच्छा, हमारे प्लाट है, जब भी ये अथन खातू वातु जो भी धर के अथन समझते ही होते, 15 दिन होते पूरे पूरा है तुम टूटे देगा। और आए जाए बहुत दिक्कत होते भैया, आम रास्ता है ये पसौत खाड़ भी थे बोरी लाटा बोर पूरा भिंगारी, ये पूरा मेन रास्ता है, एकर से परेशानी ये हो गया कि पूरा भूल गए। वहाँ जाए में दिक्कत है, गाड़ी मोटर तो चले नहीं, वहाँ बल ऐसे जाना पड़ते है, बल 8 किलोमीटर रोज सफ़र करे पड़ते भाई, 8-10 किलोमीटर पड़ जाते। अच्छा। और ये मेन रास्ता है, बनाना जरूरी हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों से प्रयास किए कि संबंधित अधिकारी तक जाने के लिए, पर ग्रामीणों ने रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार संबंधित अधिकारी तक आवेदन दे दे के थक चुके हैं। केवल बोरी गांव के लोग नहीं, आसपास के 10 से 15 गांव के लोग गाड़ी लगा करके संबंधित अधिकारी तक ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए हताश हो चुके हैं। सरपंच से हम बातचीत किए तो सरपंच का कहना है कि जनपद सदस्य का अभी मीटिंग था जिसमें सभी विभाग के लोग आए हुए थे और वहां पर मौखिक में जानकारी दिया गया तो मरम्मत के लिए आश्वासन मिली है, एक सप्ताह का टाइम मांगा गया है। इसलिए सरपंच का कहना है कि अभी वर्तमान में हम संबंधित अधिकारी तक नहीं जाएंगे, एक सप्ताह बाद ही हम एक्शन लेंगे। के बारे में कम से कम गाँव वालों की तरफ से विगत 20 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उसको नया बनवाने के लिए, परंतु हमें आश्वासन बस मिल रहा है। अभी जैसे आप देखे होंगे कि पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जैसे अभी 20 तारीख को बुधवार के दिन मीटिंग था पर जनपद में प्रदेश मीटिंग, उसमें हम विभाग को बोले हैं कि इसमें कम से कम रोड को चलने लायक बना दो, दुनिया जब बनेगा तब। तो क्या जवाब मिला है? हाँ करके बोले हम, देखो होता कब है, आज तो 23 तारीख हो गया, तीन रोज ऐसी हो गया। मीटिंग में किसको दिए हैं? अब हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य पूनम साहु जी को बोले थे, वो बात रखू करके बोल रहे थे। तो वो किसको बोले हैं? वो विभागी जो आते हैं ना मीटिंग में जनपद में, उनको बोले हैं। विभागी मतलब पीडब्ल्यू? जी पीडब्ल्यूडी। अच्छा, तो वो कोई लिखित है क्या? नहीं, इस समस्या को लेकर के जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ब्लॉक के एसडीएम से बात करने का सलाह दिया। एसडीएम सर से बातचीत हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग के जो ई साहब हैं उनसे बात करने के लिए नंबर दिया। ई साहब से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि एक साल पहले प्रपोजल बनाया गया था और स्वीकृति नहीं होने के कारण WD से ब्रिज सेक्शन को हैंडओवर कर दिया गया है। अभी वहां पर मिट्टी की जांच भी हुई है और इस्टीमेट भी बनाया गया है, ये ई साहब द्वारा मुझे जानकारी मिला।
जिला कलेक्टर का नंबर है 9669577888। इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ बालोद जिला से।